तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि छत्ता कैसे निकालते हैं मधुमक्खी का। तो आप लोगों ने तो अगर मेरी पिछली पिछली वीडियो देख रखी हो तो अब मैं उसमें बताता हूँ कि छत्ता कैसे निकालते हैं और आप भी छत्ता निकाल सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि छत्ता कैसे हम लोगों ने निकाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर फेसबुक भी देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों में भाई शेयर भी कर लेना। तो चलते अपनी वीडियो तरफ। तो जैसे आप लोग ही देख ही सकते हो भाई, इसमें धुआं लगा रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते में। धुआं लगा के तब छत्ते को निकालेंगे। ये देखो धुआं लगा दिया है, थोड़ा और लगाएगा धुआं, जैसे आप लोग देख ही सकते हो। अब ये भाई मधुमक्खियों को साफ करेगा। ये देखो ये सारी मधुमक्खी अपने ऊपर डालेगा। ये देखो जैसे आप लोग ही देख ही सकते हो। ये देखो अब ये अपने आप ऊपर मधुमक्खी डालेगा। ये देखो साफ करा मधुमक्खियों को भाई। मधुमक्खियों को मारना नहीं चाहिए, जैसे आप लोग देख सकते हो वीडियो में, ऐसे आप भी निकाल सकते हो। ये देखो जो अभी बाल्टी देख रहे हो, इसी बाल्टी में शहद निकालेंगे। अभी बाल्टी उठाएगा और इसी बाल्टी में शहद निकालेगा। ये देखो कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है घर, आप देख ही सकते हो। और पास का एरिया 4 5 6 मंजिल पे लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो काट रहा है। ऐसे आप भी आराम से काट के निकाल सकते हो। ये देखो देखो ये दोबारा बाल्टी को ले लिया है, क्योंकि भाई एक बार में छत्ता कर नहीं पाता, बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है। आराम आराम से निकालते हैं। ये देखो कई बार में छत्ता टूटता है भाई, क्योंकि देखो जो छत्ते बड़े होते हैं भाई उसको निकालने में टाइम भी लगता है और काटने में, क्योंकि देखो ऐसा किसी के यहाँ छत्ता लग जाता है मधुमक्खी का तो भाई उसका पूरी उसकी जो पूरी सफाई होती है पूरी सफाई करनी पड़ती है। ये देखो मधुमक्खियों को भाई बिल्कुल मत मानना। जैसे आप ये देख सकते हैं जो छत्ता लगा हुआ है वो बालकनी पे लगा हुआ है, जो आराम से काट के तोड़ रहा है। अगर आपके यहाँ बालकनी में से लग जाता है तो आप भी निकाल सकते हो। ये देखो ये मधुमक्खियों के साथ में खेल रहा है, और ऐसे आप भी निकाल सकते हो कितनी सारी मधुमक्खियां हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भाई ऑन जरूर कर लेना। और अगर फेसबुक भी देख रहे हो तो आप फेसबुक में फॉलो कर लेना। ये देखिए आप भी देख ही सकते हो, 2 3 या 4 5 बार में छत्ते को काटा जाता है। जो बड़ा छत्ता होता है, छोटी मधुमक्खी का होता है तो वो एक ही बार में कट जाता है। ये देखो इतना सारा आप हनी देख सकते हो, इतना सारा हनी निकला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है भाई। ये देखो पूरे मधुमक्खी को साफ कर रहा है, ऐसे आप भी साफ कर सकते हो। मधुमक्खियां करोड़ों मधुमक्खियां होती है भाई, देखो करोड़ों मधुमक्खियां होती हैं तो 10 20 मधुमक्खियां भाई खत्म हो जाती हैं, क्योंकि देखो धुआं लगाते हैं। तो हम भी इतना कोशिश करते हैं कि मधुमक्खी ना मरे या उसको कोई दिक्कत ना हो। ये देखो आप देख ही सकते हो बाल्टी को लगा के काट रहे हैं, ऐसे आप भी काट सकते हो। अगर बाल्टी को नीचे रख के काटोगे तो भाई शहद आपका जितना होगा सारा नीचे गिर जाएगा। ऐसे आराम से आप भी काट सकते हो। और जैसे कि आपको भाई हनी खाना पसंद हो या आपको मधुमक्खी छत्ते देखना है कटवाना या आपको अच्छा लगता है, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना किसको शहद खाना पसंद है। और जिसको शहद खाना पसंद हो भाई तो भाई मैसेज कर सकता है भाई, मैं कोशिश करूंगा। यूपी में और गुड़गांव में और गाजियाबाद दिल्ली में आपको हनी मिल सकता है। आप कमेंट करके फोन नंबर आप कमेंट में कर देना, मैं आपको हनी पहुंचा दूंगा। मैं आपको देखो कोशिश करूंगा, अगर गुड़गांव और दिल्ली से ज्यादा आएगा तो मैं दिल्ली में जल्दी आपको कर दूंगा, भेज दूंगा। आप देख ही सकते हो इसे वीडियो में।